नमस्कार, मैं हूं मुबीना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त बिहार की खबर। पटना बिहार से इसरार अहमद की रिपोर्ट। 543 लोकसभा सीटों के परिणाम जारी, एक बार फिर एनडीए सरकार बहुमत के करीब। देश भर के 543 लोकसभा सीटों का परिणाम जारी कर दिया गया। एनडीए सरकार एक बार फिर तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी बहुमत पाने का दावा किया है। एनडीए को दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में बढ़त मिली है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन केरल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के साथ यूपी में सैन लगाने में कामयाबी हासिल की है, जहां पर इंडिया गठबंधन यूपी के 42 लोकसभा सीट जीत हासिल करके सबको चौंका दिया। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से पता चला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने गए, लेकिन नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले। इस बात पर भी आशंका है, नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। इंडिया गठबंधन में कई बड़े नेता ने दावा किया, इस बार मोदी मैजिक नहीं चला और जनता समझ गई है विकास और रोजगार चाहिए। इंडिया गठबंधन नेताओं ने कहा कि हम लोग मेहनत किए हैं, बहुमत के करीब हैं और आगे इसी तरह जनता के बीच रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पटना में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सम्राट चौधरी देर रात तक बैठक करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कुछ अल्पसंख्यक महिलाओं ने मोदी ने सबका विकास किया है, अल्पसंख्यकों को कभी विकास हुआ है। वही दूसरी तरफ कुछ युवाओं ने कहा, इस बार मोदी मैजिक नहीं चला और जनता ने मोदी को दिखा दिया है, अगर युवक रोजगार और विकास नहीं देंगे तो अगली बार मोदी सत्ता में नहीं रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और आज हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दिन है। आज 4 जून को नतीजे घोषित हुए हैं और जहाँ तक हम नतीजे की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि 400 पार है, लेकिन 400 पार तो नहीं रहेगी, लेकिन बहुमत आंकड़े के छूने तक है। आइए हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ अल्पसंख्यक महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीमा। कैसे आप कट रही भाभी सटिए ना सीमा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे मोदी जी आए थे, साथ सबका साथ सबका विकास लेकर, तो उस समय से 10 साल आज हो गया, लेकिन ये 20 साल का जो नारा था 400 पार वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कम है लेकिन हो गया है। 400 पार तो नहीं हुआ है? नहीं, 400 पार नहीं हुआ है, बस 2400 के बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है, पार नहीं है। और हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यूपी की, जो कि हमारे योगी बाबा वहाँ से इंडिया गठबंधन में सेट लगाने में ये सफल रही है। योगी बाबा जी पर जिस तरह के हमारे प्रधानमंत्री मोदी और एक ऐसा तबका हम अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक एक तबका ऐसा जो कहता है कि भाजपा अल्पसंख्यक को ध्यान नहीं देती है। नहीं कह सकते मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास है, वो आज भी उनका मौजूद हूँ वीर जनपद पटेल पटना में और यहाँ एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आज 4 जून को लोकसभा का परिणाम लगभग घोषित हो चुका है और जहाँ तक मोदी जी का नारा था अगली बार 400 पार, लेकिन इस बार 400 पार तो मोदी जी नहीं कर पाए, लेकिन सरकार जो है बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार बनाने के समक्ष में आ गए। आइए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? एमडी नवाब जी। नवाब जी, जैसा कि हम चाहेंगे मोदी जी का नारा था इस बार 400 पार, लेकिन फिर भी 400 पार नहीं कर पाए, लेकिन सरकार बनाने के पक्ष में है। 400 पार था तो दिखाना चाहिए था ना, 400 पार था तो कहाँ दिखाया, बोलने देखे, बोलने और करने तो में तो आई है भाजपा। 295 आई, आप देखे सहयोगी दल को, भाजपा सहयोगी दल को आई है। आप बोल रहे 295, टीवी में जो दिखा रहा है किसी में दिखा रहा है 241, किसी में देखा 295, जो देखेंगे जो और जहाँ तक इंडिया की बात करें तो इंडिया 231 के आसपास। नहीं तो हम लास्ट में देखेंगे ना, अभी जो अभी क्या देखें, अभी 295 कुछ देर के बाद भी RJD बढ़ जाए उसको मानेंगे ना, अभी हम कैसे मान लेंगे 295 जीत अभी क्यों दे देंगे। लेकिन यहाँ से RJD पूरी तरह जीत नहीं पाई है, 8 से 10 सीट का बात आप देखेंगे पूरी तरह नहीं जीत पाई। और आप सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस हो गए, RJD हो गया,
आपके सहयोगी दल के साथ आज से बिहार की बात बिहार के बात करें तो बिहार के बात हम नहीं कर रहे ठीक है। आप बोलेगा जी की अभी 295 सीट हुआ है ना, तो इसका कितना है 231, तो इसका इतना बढ़ रहा है, इसका बढ़ी नहीं रहा, तो मतलब एक एक भागे हो जाए, एक है कुछ भी नहीं, तो इसको दे दे। पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को चाहिए कि मतलब जब बढ़ रहा है तो दोनों का सीट उस बार भी 214, 222, 214 में हो गया, 214 मांगा था। एक ही को के लिए नहीं मशीन खुल रहा है, मशीन जब भी खुलेगा दोनों के लिए खुलेगा। अगर आप तो बोल रहे हैं कि ईवीएम की बात करें तो अगर ऐसा ईवीएम में अगर छेड़छाड़ करिए तो आज कांग्रेस से तो लगभग 100 लाई, 100 नहीं ला सकती। ईवीएम पहले नहीं था, वो जो अभी सिस्टम दिया है, अभी जब कोई वोट दबाते जैसे कमल पे दबाइएगा तो कमल एक कमल दबा आकर के फोटो में हाँ फिर एक आ जाता, आप लैंटेन पे दबाते तो लैंटेन दाब करके एक आ जाता। अब उसमें घोटाला करने का कोई जरूरत नहीं है, घोटाला करेगा भी तो नहीं पकड़ा ही जाएगा, ठीक है ना। जो पहले हो गया, जो बीत गया। क्या लगता है कि मोदी की सरकार बना पाएंगी? नहीं, आरजेडी की सरकार ही है, आरजेडी का सहयोगी दल है ना, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? कांग्रेस के सरकार बनेगा वो भी अगर बीजेपी का देखिए भैया, बीजेपी का भी बनता ऐसा बात नहीं है, मगर जो चीज़ आप बचे जो चीज़ बोले उस चीज़ को सहायता नहीं दी है। गरीब का महंगाई में इतना महंगाई में 300 रुपये लेबर खटता है बीजेपी, ठीक है। अब बताइए 50 रुपये किलो चावल है, 150 रुपये किलो दाल हो गया, 120 रुपये किलो तेल है, और इंसान गरीब कहाँ से खाएगा? कहाँ बढ़ा वेतन? बढ़ा आपका, बढ़ा वेतन जो पढ़े लिखे उसका बढ़ा, तो जो लेबर है उसका वेतन बढ़ा, हम लोग मिडिल क्लास का वेतन बढ़ा है, आप बता सकते हैं? ठेला चलाने वाला का भाड़ा कितना, 10 रुपया था, अभी भी 10 रुपया उसका बढ़ा है। लेबर का कितना भाड़ा था, 300 रुपया देता, अभी भी 300 रुपया दे रहा, उसका वेतन बढ़ा है। हमको नीचे का बात कीजिए, ऊपर मत लेकर नाकाम हो गए हैं, हम लोग हर सीट पे प्लस में है, सरकार उनको बनने नहीं जा रही है, इसलिए अपने आप में सरकार बना रहे हैं कि हम सरकार बने। अभी सम्राट चौधरी ने मिलने गया, सीएम ने उनसे नहीं मिला, नीतीश कुमार जी ने अभी उनसे नहीं मिले, ज्ञान है वो तो पलटी राम है, कभी पलटी मार देंगे, वो कभी भी पलटी मार देंगे, सरकार उनकी नहीं बनने जा रही है बीजेपी की, उनकी ख्वाहिश पूरा कभी नहीं होगी, जनता जाग चुकी है, अब युवा जाग चुका है, युवा का बहुत झटका उन्होंने दिए है, इसलिए युवा झटका को नहीं सका, युवा का झटका से दूर रहे, जनता पहले की तरह नहीं रही, सब वैकेंसी बंद कर दिए, सब कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए, युवा किसके लिए जिएगा, इतना पढ़ लिख के क्या करेगा, वैकेंसी नहीं रहेगा तो युवा पीछे नहीं है, युवा उनको साथ छोड़ दिया है, वो बहुत नौटंकी कर चुके देश में, देश के पैसा से विदेश में रोते हैं कि मेरे पास दूसरी के घर में मांगनी है, 10 करोड़ में उनका कोटे नीलामी होती है, 10 करोड़ में उनकी कोटे नीलाम होती है, वो खाली पिकनिक मनाते हैं विदेश में जाके, इंडिया के लिए बताइए कि कोई आज आप बात करें तो भारत का नाम कांग्रेस के नहीं किए, आप बोलिए कि बिहार में किए वो कल कारखाना उन्होंने लगाए, बिहार में उनको उन्होंने किए कल कारखाना लगाए, बिहार में 6 बार एक पीएम दौरा किए, बोले कि कहीं पे कुछ स्टूडेंट के लिए होगा, के लिए बताइए आप समस्तीपुर चीनी मिल चालू कर दिए, लीटा वाला चीनी मिल चालू कर दिए, जो बचल था उसको भी बेचवा के खा गया, राष्ट्रीय जनता दल से ही बंद है, नहीं बंद है उसको चालू तो कर दे, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आरजेडी के लिए खोलते खोलते और युवा उनसे बात कर रहे हैं। आलोक का नाम है, आपने जो पूछा की आरजेडी बंद तो 10 साल इनको मौका मिला, इन्होंने बोला था ना कि मैं चीनी मिल चालू करूंगा, उन्होंने बोला भी था मोतिहारी में कि ये चीनी मिल का चाय पी के जाऊंगा, 10 साल में इनका चीनी मिल चालू नहीं होता है, 10 साल में मोदी ने बहुत विकास किया है, आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें विकास अगर 5 विभाग तुम गिनाओ तो अपने से, आप पटना की आप सड़कों की बात करिए कितना चकाचक चक अटल पथ पर चले जाइए, मैरीन ड्राइव चले जाइए, क्या पहले आज से 10 साल चलो ठीक मतलब तुम्हारा मैं बात मानता हूँ, चलो तुम रोड गिना दे, चलो आप दूसरा गिनाओ, रोजगार पे बात आ जाओ, रोजगार कितना दिया, स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य भाई आयुष्मान कार्ड मैं तुमको देता हूँ, पटना के जितना हॉस्पिटल है अगर इलाज कर दिया ना तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, जिंदगी भर गरीबों के लिए बिल्कुल। अरे भाई मैं कोई अंडानी बने का बेटा हूँ क्या, मैं क्या कर रहा हूँ,
अगर आयुष्मान कार्ड मेरा भी बना हुआ, सबका बना हुआ, अगर इलाज कर दिया कोई भी हॉस्पिटल, बिहार की बात कर रहा हूँ, कोई भी हॉस्पिटल, तो मैं पूरा बुलाने खड़ूंगा पूरा जिंदगी भर। 5 लाख जो करा मिला ना भाई, जैसे हो गया ना हॉस्पिटल, हमें तो कहेगा पैकेट में रख लो। अगर 5 लाख अगर एक उसमें डाला रहता ना, तो डॉक्टरवन अभी कहीं इलाज आप कराने जाते हो तो जिसके पास पैसा नहीं रहता था, खेत बेचता है, घर बेचता है, पैसा उपलब्ध कराता है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए पैसा आ रहा है। लेकिन अगर 5 लाख उससे अकाउंट में रहता तो डॉक्टर भन से इलाज करता कि कम से कम 5 लाख तो इसके पास है ना भाई, इतना में तब तक इलाज करते है कि ना भाई, है कि ना, 5 लाख कम से कम खाता में है ना। लेकिन डॉक्टर सीधे कहता है इसे ले जाओ, कहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, तो सिर्फ देने से होता है। अभी तो 5 साल तक मोदी की फिर से आगे क्या, अरे फिर आगे कहाँ यार, अभी आए कहाँ यार, क्योंकि नीतीश बनाने का, अरे एक बात बताओ, नीतीश बाबू अगर पलट गए तो मैं कर लेंगे मोदी जी, नीतीश बाबू अगर पलट गए तो मैं तो कर लेंगे, प्लस है, अरे पंचाने पलट, नीतीश बाबू पलट गया, 2-3 वो स्टेट के पलट गया था, मैं हो जाएंगे, सारे लोग उसी में चले जाएंगे क्या। अच्छा तुम बताओ ना, तुम अपने भाई तुम कह रहा कि आप जरा विचार को ग्रांटिया बना दो मोदी जी का, रोड तुम समझते हैं कि नितिन गडकरी जी रोड बनाए हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, नितिन गडकरी बेस्ट है बीजेपी में, बेस्ट अगर है कोई नेता तो उनको मानता हूँ, बाकी नेता को मैं नहीं मानता हूँ। नितिन गडकरी जी बहुत बेस्ट नेता है, ईमानदार भी है, लेकिन अब कह दो कि मोदी जी ईमानदार हैं तो गूगल मोबाइल है ना भाई, मोबाइल पे जरा इस सब पे पूछना कि दुनिया का सबसे फेकू प्रधानमंत्री कौन है, झूठा पर लिखता है कि मोदी जी, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, फेकू और महाजूठा सब लिखता है, तो उनको तो मैं मानता नहीं हूँ, तो भी नहीं बोले कि मैं, हमको भगवान भेजा है, भगवान भेजे मोदी जी, इन्हें तो गोदी मीडिया दिखा रहा था कि 405 राम मंदिर बनाए हैं, वो जाके कह दिए थे कि ये राम मंदिर हम ही बनाएंगे, चंदा क्यों दे दिए राम मंदिर में, ये क्यों दिए राम मंदिर में, वो अपने पैसा लगाएंगे, सारे लोग भारत में सारे लोग पैसा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के देश बना है ना, सुप्रीम कोर्ट वहाँ 5 न्यायाधीश बैठा था, 5 जजों का कमेटी बैठा था, हिंदू मुस्लिम सबका बैठा था, काफी दिन से केस चल रहा था, हम लोग का वहाँ मुगल आया था, हम लोग का मंदिर था उसको अति बना लिया था, हम लोग वहाँ कुछ मतलब मिला, साथ से सबूत से ना चलता है, जी कोर्ट चलता है, इसी को कहने से चलता है, हम लोग का वहाँ सबूत मिला, हम लोग का मंदिर बना, मोदी जी कहने से थोड़ी बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के देश से बना, सबूत हम लोग का मिला था कि यहाँ पे मंदिर था, मंदिर बना।